अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं भी आया हूँ कराची आइसक्रीम की तरफ। ये लग रही थी भूख, तो मैंने अभी जो है कबाब और रोटी ऑर्डर की है। तो अभी कबाब तो मेरा आ चुका है, रोटी में कह रहे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक जो है कबाब भी ठंडे हो जाएंगे मेरे, तो अभी देखते हैं क्या करना है। लेकिन कबाब मुझे देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, मुझे आज फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ। और चपाती मेरी आ चुकी है, जैसा मैं सोच रहा था कि टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगा, चपाती मेरी आ चुकी है। और चपाती है भाई ने रख दी है, शुक्रिया आप। और खाते हैं इंशाल्लाह और मज़े लेते हैं। कबाब चेक करते हैं, कबाब खा के देखते हैं कि कबाब कैसा है, कैसा बना है कबाब। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के देखेंगे तो पता चलेगा। जी आ गया मेरा कबाब, और इसके साथ है सलाद, और ये केचप, और ये है चटनी, ये रही मेरी चपाती। तो अब खाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। कबाब तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैं, और जायका भी अच्छा है कबाब का। मैं आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज से पहले मैंने खाए नहीं है, मतलब यहाँ पे कबाब। वैसे तो बहुत जगह के खाएँ, लेकिन यहाँ के कबाब आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं कबाब, और चटनी के साथ तो क्या बात है, मज़ा ही कर रहा है। बेहतरीन, मज़ा आ गया। कुछ काम से, एक काम था, वो काम करने गया था, ये वापसी में आ रहा था। तो अचानक चाय का मूड हुआ मेरा, तो मैंने बोला चलो चाय ले ली जाए। तो वहाँ बैठ के नहीं पी मैंने, मैंने कहा घर आके पीऊँगा। तो मैं लेके आ गया हूँ अपने लिए चाय, होटल की चाय, मज़ेदार चाय। और ऐसी चाय जैसे मैंने, अजमीन है और रुबैर ने, हम तीनों ने पी थी यूपी मोड़ पर। जो अजमीन है, अभी मैं गया था लास्ट टाइम कराची, अजमीन ने मुझे पिलाई थी, वैसे ही चाय हो रही है ये। बस वो इलायची वाली थी, ये सादा है, मतलब सादा दूध पत्ती है, वो इलायची थी। तो जायका वैसे ही है। तो अभी चाय पीऊँ, और बच्चे जो है अलमीर को हो रहा है बुखार, बुखार बहुत तेज हो रहा है अलमीर को, 102 या 103 बुखार हो रहा है अलमीर को। और हुबैना को भी बुखार हो रहा है, मोहम्मद मूसा को भी बुखार था। रयान साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, अभी 1:30 बजे रात को ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो खड़े हुए अंधेरे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ले रेहान साहब। रेहान लाइट तो जला लो, अंधेरे में तुम नमाज़ पढ़ लो। तो ये रेहान नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी जो है अम्मी के कमरे में हैं, यहाँ चल रही है फिल्म, फिल्म देख रहे हैं लोग, टीवी देख रहे हैं लोग। और आज मैं कंपनी गया नहीं, क्योंकि मेरे टांग में जो है ना बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और आज जो है वजह से मैं गया नहीं। तो और भाई साहब दरवाज़ा बच चुका है, भाई साहब आ चुके हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, भाई साहब आ गए। ये चाय भी, ये चाय भी हमारी एंड होने वाली है, बस चाय पी के और मैं भी जाऊंगा अम्मी के कमरे में। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने सभी भाई को आगे बढ़ाएं। और अम्मी अभी कराची में हैं, आज मेरी फिर बात हुई थी तो अम्मी आज गई नहीं किसी, यानी अपने भाई के घर गई हैं अम्मी, यानी हमारे मामू के घर गई हैं अम्मी, आज आ गई हैं। तो अम्मी को अभी एक दो दिन और लगेंगे आने में, तो अम्मी आएंगी एक दो दिन बाद। तो ये आज का बनाया मैंने बहुत ही मुख्तसर सा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। और बस अब मैं भी जा रहा हूँ अम्मी के कमरे में लेटूंगा, क्योंकि मेरे भी टांग में दर्द हो रहा है काफ़ी, टैबलेट खाऊंगा, टैबलेट खा के मैं आराम कर लूँगा। और तो इसलिए आपसे लेता हूँ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने सभी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।